जीवन हमारे समक्ष प्रत्येक क्षण विकल्प प्रस्तुत करता, ऐसा करें कि ऐसा करें। यदि हम सही चयन करते हैं तो सफलता, आनंद और तृप्ति को प्राप्त करते हैं, और यदि गलत चयन करते हैं, दुख, शोक और निराशा हाथ लगती है। मात्र चुनने से नहीं, वो चुनने में हम कितनी दृढ़ता से संकल्प लेते हैं, इसका महत्व होता है। अतः हमारे सामने जो विकल्प आते हैं उनका महत्व क्या है और सही सही कैसे चुनना है, इस बात पर हम लोग आज विचार करें। हमारे भारत के इतिहास में एक महान संत हुए गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामायण को हिंदी में लिखा, प्रसिद्ध रामचरितमानस। किंतु वे युवावस्था में संत नहीं थे, बल्कि इतने स्त्री आसक्त थे, अपनी पत्नी में उनका इतना लगाव था। एक दिन वो मायके गई हुई थी और रात्रि में तुलसीदास जी को विचार आया कि बिना इसके तो मैं रह ही नहीं सकता। निकल पड़े घर से, बाहर वर्षा गिर रही थी, उन्होंने कोई परवाह नहीं की, नदी तक पहुंचे। वो नदी पार जाके उसके घर पहुंचना था। अब रात्रि में, अंधेरी में, कोई नौका वहां तैयार नहीं थी, किंतु तुलसीदास जी का सौभाग्य, उन्हें एक लकड़ी तैरती हुई मिली, उसे कूद के पार चले गए। अब जल्दी थी तो देखा कि एक रस्सी ऊपर से लटकी हुई है। वे कूद के ऊपर पहुंच गए, सोचा पत्नी बहुत प्रसन्न होगी, किंतु उनको खिड़की से आते देखकर पत्नी कुपित हुई और उसने डांट लगाई। उसने कहा, जिस प्रकार से आप ऊपर आए हैं, आपकी मुझ में इतनी आसक्ति है, अगर ऐसा प्रेम आप राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम से करते, आपकी अनेक बार भगवत प्राप्ति हो गई होती। वो डांट को सुनकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक निर्णय लिया, नो मोर, मेरी जो परिस्थिति है मैं इससे अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, इसमें परिवर्तन लाना ही होगा। उन्होंने अबाउट टर्न किया, पश्चात ज्ञान अध्ययन किया, भक्ति की और विश्व विख्यात संत बन गए। ये तुलसीदास जी के जीवन में जो परिवर्तन आया, इसका कारण क्या बना? एक निर्णय, एक चयन जो उन्होंने किया। आप सोचिए, 15 वर्ष पहले आप कहां थे, पश्चात आपने कुछ चयन किए, इंजीनियर बनूं कि डॉक्टर बनूं, विवाह करूं कि नहीं करूं, यहां रहूं कि वहां रहूं, परिणाम स्वरूप आज आप जीवन यात्रा में अपने को एक स्थान पर पाते। आज फिर हमारे सामने विकल्प हैं, हम जैसा चुनेंगे वैसा 15 साल के बाद हम अपने को पाएंगे। तो कुछ निर्णय बदले जा सकते हैं, कुछ निर्णय अपरिवर्तनीय होते हैं। एक पाश्चात्य हॉलीवुड में बड़ा विख्यात कॉमेडियन हुआ जेरी लुइस, वो अपने विवाह से इतना तंग आ गया, उसने कहा, मैं जब बिल्कुल फेड अप हो जाता हूं तो मैं अपने विवाह की मूवी को उल्टा प्ले करता हूं, और प्ले करके मुझे लगता है कि भाई मैं इससे मुक्त हो गया। अब उसने अनुभव किया कि जो निर्णय लिया था उसको बदलना संभव नहीं था, किंतु उस परिस्थिति में भी उसके सामने विकल्प था, या अपने हालात पर हंसे और या फिर तलाक ले ले। तो हर क्षण
जीवन संसार हमारे समक्ष विकल्प प्रस्तुत करता है। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी के समान आप इस क्षण चुनेंगे कि मुझे आत्म परिवर्तन लाना ही है और आप भी एक संत बन जाएंगे? आप प्रश्न कर सकते हैं, स्वामी जी क्या आत्म विकास इतना सहज है, बस एक बार निर्णय ले लें? जी नहीं, मात्र चुनने से नहीं, वो चुनने में हम कितनी दृढ़ता से संकल्प लेते हैं, इसका महत्व होता है। तो आज हम लोग ये होमवर्क लें, ये विचार करें हमारे सामने कौन से विकल्प हैं और हम जो चुन रहे हैं क्या हम श्रेष्ठतम विकल्प को चुन रहे हैं, हमारे चयन के परिणाम क्या होंगे और क्या अपने चुनने में हम कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। इस पर विचार कीजिए तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सही सही चयन करने के विज्ञान की गहराई में जाएंगे।